मुख्यमंत्री 8 बार मुख्यमंत्री बने तो अनुभव है उनको, तब तो हम कहे कि जो केंद्र का राजनीति करेंगे। जो आप बीजेपी के नेताओं पे लगा रहे हैं, क्या गारंटी है कि आपके पार्टी के नेता वसूली नहीं करेंगे? कि बीजेपी की सरकार या उसके नेता, अहंकार उनके पास रावण वाला और कंस का अहंकार था। जब आते थे जिला में या कहीं, वो लगते नहीं थे मेरे वोट से बने हुए। सर राम सूरत राय के यहाँ लगवा दीजिए कैमरा, देखिए कितना तसीली बिहार में हुआ है। सम्राट चौधरी को लगवा दीजिए, कितना तगादा वाला लोग घूमेगा जिसको पैसा ले रखा है, काम नहीं हुआ, सरकार चला गया। कि अब आपकी सरकार आ गई है, खगड़िया अब अगला बारिश में नहीं डूबना चाहिए, क्या आप वादा करते हैं? घूस लिया है, घूस अवैध काम करवाने के लिए। सम्राट चौधरी शुरू से ही भ्रष्टाचार, बीजेपी के मंत्री विधायक लूट रहे थे खुलेआम। राजद के पूर्व एमएलसी प्रत्याशी मनोहर यादव जी अभी हमारे साथ हैं और बहुत खुश हैं, और इनके समर्थकों का भी भीड़ उत्साह आप देख सकते हैं। ये लोग भी बड़ी धक्का मुक्की करके पीछे खड़ा हुए हैं। आई जो हमारे चाचा हैं, ये बोले हैं कि हम फ्रंटे पे बैठेंगे, हमारा चेहरा आना चाहिए। आई ऊपर से कुर्सी ला के यहाँ पर लगाए हैं, लड़ाई तो कुर्सी का है, सरकार बन गया है आप लोगों का नीतीश कुमार जी के साथ, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं। कि आप सरकार में तो नहीं थे, तब कैसा महसूस कर रहे थे? नहीं, हम उस समय भी जनता के लिए काम कर रहे थे, और जो जनता नीतीश जी के पीछे, जो नीतीश जी का चेहरा आगे करके जो लोग इस बिहार को लूटने में लगा था। अच्छा, वो कौन से लोग लूटने में लगे थे? बीजेपी के मंत्री विधायक लूट रहे थे खुलेआम। आप खगड़िया से जुड़े हुए हैं सम्राट चौधरी जी। सर मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप अपना कैमरा उनके आवास के इर्द गिर्द लगा लीजिए और देखिए आज से कितना तगादा वाला जो है खड़ा रहता है वहां। इतना बड़ा भ्रष्टाचार का जननी है ये लोग कि किसी को नहीं बकसता है। अच्छा, कैसा तगादा सम्राट चौधरी से करेगा लोग? घूस लिया है, घूस अवैध काम करवाने के लिए। सम्राट चौधरी शुरू से ही भ्रष्टाचारी, हम नगर विकास मंत्री थे और यहाँ का पूरे शहर का DPR 165 करोड़ का पास करवा के भारत सरकार से हम लोग लाए, गलती से ये मंत्री बन गए उसी समय, और संवेदक से इतना भारी रकम का डिमांड कर दिए, संवेदक यूपी का था भाग गया। तो अभी 5 करोड़ रुपया सही है क्या? हाँ जी जी। अरे आप लोग RJD वाले हैं, ये तो बात बोलेंगे ही क्या? ब्रह्म ऋषि समाज से बोल रहे हैं, 100% चोर है, 1 नंबर का। सर जिसके कारण ये खगड़िया अभी भी डूब रही है, बारिश में अभी भी डूब रही है, उन्हीं का देन है। चलिए ठीक है, खगड़िया बारिश में अभी भी डूब रहा है, उन्हीं का देन है। अब थोड़ा सा मीठा से कड़वा सवाल आपसे ये हो जाता है कि अब आपकी सरकार आ गई है, खगड़िया अब अगला बारिश में नहीं डूबना चाहिए, क्या आप वादा करते हैं? बिल्कुल, आपको विश्वास दिलाते हैं मनीष भाई कि अगला बार जो है खगड़िया शहर बारिश से नहीं डूबेगा। इसलिए नहीं डूबेगा कि हमारा जो प्लान नगर में बनता था, DPR बनता था, स्टेट लेवल पर भ्रष्टाचार का शिकार हो जाता था, वहाँ पर रोक दिया जाता था, चूंकि हम लोग पैसा देते नहीं थे, बिना पैसा का वहाँ कुछ होना नहीं है। और कौन कौन से मंत्री के घर पे जो है, पूर्व मंत्री के घर पे तगादा के लिए लोग लाइन लगाएगा? आप सर राम सूरत राय के यहाँ लगवा दीजिए कैमरा, देखिए कितना तसीली बिहार में हुआ है। सम्राट चौधरी को लगवा दीजिए, कितना तगादा वाला लोग घूमेगा जिसको पैसा ले रखा है, काम नहीं हुआ, सरकार चला गया, ये लोग को पता नहीं था कि सरकार चला जाएगा। अच्छा ये बात, एक और कड़वा सवाल, 2017 में आप लोगों की सरकार गई थी, नीतीश चाचा जी पलटी मार गए थे, 2022 में फिर से अंतरात्मा जग गई, आप लोगों के साथ आ गए, तो 17 में आप लोगों के भी मंत्री के दरवाजे पे तगादा के लिए भीड़ लगा था कि नहीं लगा था? नहीं, ये देखिए, ये तो लगते रहता है तो, जिसकी पार्टी जिसकी सरकार जाएगी आएगी लगेगी। नहीं, इसमें तो हम ये नहीं कहेंगे कोई दूध का दूल्हा है, लेकिन बीजेपी के एक बात इन्होंने बड़ी ईमानदारी से कहा है और सच में काबिले तारीफ बात कहा है कि इसमें नहीं कहेंगे कि कोई दूध का धुला है, लेकिन लेकिन के बाद बोली, लेकिन बीजेपी में कुछ लोग हैं, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का जननी है। भ्रष्टाचार
इसके कनकन में बसता है। अच्छा, आप लोगों को क्या मिला? सरकार बदल गया है तो? सरकार बदला है तो सामाजिक न्याय का सरकार बना है, गरीब गुरबों का सरकार बना है, अल्पसंख्यकों का सरकार बना है। जिसके मुंह में बोल न है हमारी सरकार, उसके मुंह में बोल अधिकार जनता के बीच, जनता का जो आपको है, क्या मिला है? बना है। देखिए, सबसे बड़ी बात है हम आपको बनाते हैं। अभी जो सरकार थी बीजेपी की सरकार या उसके नेता, अहंकार उनके पास रावण वाला और कंस का अहंकार था। जब आते थे जिला में या कहीं, वो लगते नहीं थे मेरे वोट से बने हुए हैं। उनकी जो रुतबा रहती थी, उनका जो तामझाम रहता था, अभी आप एगो बन। अच्छा, इतना भीड़ जो है आपके दरवाजे पे सरकार बनने के बाद या पहले भी लगा था? यहाँ तो हमेशा जो है सरकार बनने के बाद थोड़ा ज़्यादा लग गया होगा। नहीं नहीं, सरकार बनने के बाद वाला भी कोई देखिए ऐसा कोई व्यवसायी रहता, कोई पैरवी कराने वाले रहते, देखिए कोई है ऐसा पैरवी कराने वाले? तो जो सरकार के दारिश किसी को नहीं चाहिए, बालू ओलू का टेंडर का किसी क्या किसी को नहीं। लालू जी 90 में नारा दिए थे, गरीबों को दिया वास्तु कहते हो जंगल राज। ये भाजपा का जो लफुआ दोगो मंत्री है आज, इसका एगो लफुआ नाम नहीं बताएंगे, खगड़िया में उसका लफुआ कभी बैठता था SDO के चैम्बर में, आज 3 घंटा से SDO के आम गाछ के नीचे अपना बाजार लगे लेता चिट्ठी लिख के। कौन से मंत्री की बात कर रहे हैं? सम्राट चौधरी का चमचा, सम्राट चौधरी का भरुआ जो पैसा सुलता है खगड़िया में। आपको याद होगा, आप तो शायद नए हैं, पुराने हमको मालूम नहीं है। कृत्रिम पैर का एगो उद्घाटन कर था राजपाल से पसराहा में, खरबों रुपया जमा किया था, क्या किया नहीं किया पते चल नहीं किसी का। गवर्नर को ला के यही संजय खंडेलिया और सम्राट चौधरी, सम्राट चौधरी के पिताजी उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, गवर्नर को किसी तरह ले आके पसराहा में एक बोर्ड लगा के 1000 का, यहाँ पर करोड़ों करोड़ का ठगी कर लिया कि कृत्रिम हॉस्पिटल यहाँ बनाएंगे। खगड़िया को ऐसा लूट के भागा, फिर जो है 10 साल के बाद ये लोग यहाँ दर्शन दिया था। तो ये लोग का पुराना इतिहास रहा है ठगी का और भ्रष्टाचार का। अच्छा, ये बताइए कि जो भाभी हैं यानी तेजस्वी यादव जी की जो बीवी हैं, उनके आने के बाद जो है शुभ संकेत है सरकार बदल गया और आप लोग सरकार में आ गए, तो भाभी के लिए क्या कहना चाहते हैं? भाभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, उनका जो है पैर लक्ष्मी की तरह घर में आया है और सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो रहा है। राजश्री भाभी जो है घर में लक्ष्मी की तरह आई है और हमें राज दे रही है, और हमें लगता है कि आने वाले समय में आपकी बातचीत हुई है। बिल्कुल, भेंट को मंत्री कब बनाया जा रहा है? मंत्री हम लोग 2025 के बाद लोग पहले जनता के का सेवा कर रहे हैं, जनता का सेवा करेंगे। जिस दिन जनता को लगेगा कि इनको भेजना चाहिए, अभी तो MLC का चुनाव लड़े, हार गए कुछ वोटों से। क्यों हार गए? हार गए, यहाँ भी जो है पैसा का खेल इतना है, हम लोग समझ नहीं सके। हम EVM हैक नहीं हुआ था? EVM से नहीं, ये बैलेट से होता है और इसमें नंबर प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता, तृतीय वरीयता, सब लोग को वोट दे सकता है, वरीयता का ये वोट होता है। तो यहाँ जनप्रतिनिधि थे, वार्ड सदस्य महोदय लोग थे, लोग पैसे के चक्कर में पड़ गए और अपने अधिकार को समझ नहीं पाए। अगर हमको जिताते तो आज जो पंचायती राज का दुर्दशा है, वसूली का आरोप जो आप BJP के नेताओं पर लगा रहे हैं, क्या गारंटी है कि आपके पार्टी के नेता वसूली नहीं करेंगे? बिल्कुल, अगर करेंगे तो वो हमारे नेता तेजस्वी जी स्पष्ट रूप से ये कर चुके हैं कि अगर कोई भी RJD के नेता मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, 1 मिनट भी उनको बख्शा नहीं जाएगा, 1 मिनट के अंदर कार्रवाई होगी। और हम तो कहेंगे मनीष भाई कि आप किसी का भी, आपके नज़र में भी कोई ऐसा आए तो
तो आप हमारे नेता को बताइए, निश्चित रूप से हमारे नेता, आप वादा करते हैं? बिल्कुल, हमारे नेता अगर किसी भी इंजीनियर का भ्रष्टाचार, कहीं भी रोड में भ्रष्टाचार, कहीं भी बिल्डिंग में, स्कूल में, स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार अगर मैं उजागर करता हूं तो आप कार्रवाई कराएंगे? बिल्कुल, एकदम 100% कार्रवाई होगी। और हम तो उससे भी आगे हम बता रहे थे, अगर हमारे नेता कोई मंत्री भ्रष्टाचार में आप लिप्त होंगे, आप दीजिए, निश्चित रूप से हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी का स्पष्ट कहना है कि कोई भी किसी भी परिस्थिति में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप लोग सभी लोग समर्थक हैं? जी, हम लोग समर्थक हैं। सभी लोग समर्थक हैं? तो खुश हैं कि दुखी हैं? बहुत खुश हैं। क्या क्या मिला है आप लोगों को सरकार बदल जाने के बाद? एक नई उम्मीद और एक नई विश्वास। एक नई उम्मीद और एक नई विश्वास के साथ। नया उम्मीद और नया विश्वास। रोजगार का जो अवसर बोले हैं, वही उम्मीद से हम लोग हैं। अभी तो आए ही हैं, देखिए क्या होता है आगे। अच्छा नीतीश चाचा जी, अगर 2025-24 में फिर बीजेपी के साथ चले गए तो शायद ऐसा नहीं होगा। शायद उनका इतिहास कैसा है? अब इतिहास जो है ना पलट गया। हर बार उन्होंने इतिहास पलटा है। इतिहास पलट गया है तो हर बार उन्होंने इतिहास पलटा है। अब उनका उम्र नहीं रहा है, अब उनको जो है ना अगले सत्र में ये सीधा बोल रहा है कि उनका उम्र नहीं रहा है, अब अगले सत्र में हम लोग उनको डिसकंटिन्यू कर देंगे और बनाएंगे तेजस्वी यादव को ना। वो जो है अगला सत्र में जिसका उम्र नहीं रहा उसको मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। जरा सोचिए, केंद्र में जाने का उम्र उनका हो गया है, उनका उम्र अब केंद्र में जाने, जितना लोग बुढ़ा जाता है वो केंद्र में जाता है, केंद्र में जाएगा। जी जी, केंद्र बहुत बड़ा देश का राजनीति है, अनुभवी आदमी को ही न देश में भेजा जाता है, कंट्रोल करने का, डैमेज कंट्रोल करने का काम जो है ये युवा आदमी जो है कर रहे हैं। और ये चाचा क्या पर आशा है कि हम युवा हैं, हमको रोजगार मिलेगा, इनको भी केंद्र में भेजा जाए, इनका भी उम्र हो गया है। और जितने लोगों का बिहार में उम्र हो जाएगा उन सभी को केंद्र में भेजने का काम जो है ये चर्चा करेंगे अनुभव के साथ। जब मुख्यमंत्री 8 बार मुख्यमंत्री बने तो अनुभव है उनको, तब तो हम कहे कि जो केंद्र का राजनीति करेंगे। 8 बार मुख्यमंत्री जो है 2005 से लेकर 2022 तक में बन गए हैं, रिकॉर्ड भी बना दिए हैं, पता है आपको? हाँ, ये बात भी सही है, बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। लेकिन अलट पलट के बन गए हैं 8 बार, प्रेशर दे रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनके बारे में सिर्फ आप यही कहेंगे कि अनुभवी हैं, वो जो है सो कि केंद्र का राजनीति करेंगे जी। चलिए ठीक है, और ये इसलिए चाहते हैं कि केंद्र में नीतीश चाचा जी चले जाएं ताकि जो है राज्य में जो है इनका राज आ जाए, सही है कि नहीं है? अच्छा, नीतीश कुमार जी के साथ जो है एक गठबंधन हुआ है कि 2024 में वो पीएम मटेरियल होंगे और केंद्र की राजनीति में वो सक्रिय होंगे, इसकी कितनी सच्चाई है? देखिए, एक चीज़ तो ईमानदारी से मानना पड़ेगा कि नीतीश कुमार के छवि पर आज तक कोई दाग नहीं है, और जो दाग कुछ दिन पहले दाग जो है बता रहे थे तेजस्वी यादव जी, दाग बीजेपी वालों के कारण था, सम्राट चौधरी जैसे डकैत के कारण था। सम्राट चौधरी जैसे मंत्री, अयोग्य व्यक्ति को मंत्री बना दिया गया, जिसके कारण लूट खसोट, राज्य में भ्रष्टाचार, अपराध, इनके जैसे जैसे कुछ लोग मंत्रालय में थे, सरकार में थे, और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं दबाव में चले आते थे, जिसके कारण जो है उनको ये निर्णय लेना पड़ा कि अब भी एनडीए के साथ हम नहीं। अच्छा, ये बताइए, मैं आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, क्या नीतीश कुमार जी से इस बात का आरजेडी का गठबंधन हुआ है कि 2024 में नीतीश कुमार जी केंद्र की राजनीति करेंगे और तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसकी कितनी सच्चाई है? नहीं नहीं, देखिए, इसमें तो माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट रूप से कहे कि वो समय बताएगा, 2024 बताएगा, जब माननीय मुख्यमंत्री 2 साल में समय बदल जाता है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कहे तो उसमें हम लोग क्या कह सकते हैं। अच्छा, गृह मंत्रालय आप लोगों को मिलने वाला है, कितनी सच्चाई है इसकी? पिछले 17-18 साल से गृह मंत्रालय नीतीश कुमार जी अपने पास रखे हैं। नहीं, बिल्कुल मिलना चाहिए। हम कहते हैं कि एक बार बिहार में, एक बार बिहार को दुरुस्त करने के लिए जिस तरह से नाम तेजस्वी है उस तरह का काम भी उनका जो है तेज है,
इसलिए एक बार मौका देना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री को कि बिहार में शासन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक बार गृह मंत्रालय देखे, तेजस्वी यादव जी को देखे और बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को एकदम कंट्रोल करेंगे। लेकिन घुमा घुमा के आपने सवाल का जवाब दिया है। मैंने पूछा है कि 2024 में नीतीश कुमार जी पीएम कैंडिडेट होंगे क्या? नहीं, देखिए ये बात मनीष भाई मानना पड़ेगा, उनके चेहरे पर कोई दाग नहीं है और पूरे देश में विपक्ष में अगर सबसे कोई मजबूत चेहरा है तो वो नीतीश कुमार जी हैं। अब बाकी उससे ज़्यादा तो हम बोल नहीं सकते हैं। मान्य ज़्यादा जो है ये 2024 में बोलेंगे, जब ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा तब तक नहीं बोल सकते हैं। बाकी इनकी बातें आप लोगों को कैसी लगी और इन समर्थकों के चेहरे पे जो है मुस्कान वो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन बिहार में जिसकी भी सरकार बने, हो सके तो युवाओं को रोज़गार देने का प्रयास करें। अगर युवाओं को रोज़गार नहीं मिलेगा तो हम सवाल करेंगे और जहां भी कहीं किसी भी प्रकार का अधिकारी भ्रष्टाचार करेंगे तो हम वीडियो बनाएंगे। उम्मीद है कि आप लोग कार्रवाई कराएंगे, निश्चित एकदम विश्वास आपके व्हाट्सएप पे भेजेंगे। एकदम विश्वास के साथ कहते हैं अगर कोई भ्रष्टाचारी होगा उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। हमारे नेता अपने भाषा को बदले नहीं, आज जब पीसी कर रहे थे अपने सब कार्यकर्ता से मिल रहे थे प्रेस वालों को, उन्होंने कहा जो हमने जो कहा था एक महीना इंतजार कीजिए, जो हम करेंगे इतना बम्पर नौकरी देंगे जो कहीं किसी स्टेट में नहीं होगा। वो तो आज भी बोले हैं, अपने बात से मुकरे कहाँ हैं, शपथ के बाद भी नहीं मुकरे हैं। चलिए, जितने भी सीनियर सिटीजन हैं वो केंद्र में जाएंगे और जूनियर सिटीजन जो है वो राज्य की राजनीति करेंगे। जय हिंद।